अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखें, पहला क्वेश्चन 16.1। ए साइनोसॉइडल करंट हैज़ आरएमएस वैल्यू ऑफ 10 एम्पेयर, व्हाट इज़ द मैक्सिमम और पीक वैल्यू। एक साइनोसॉइडल करंट जिसकी आरएमएस वैल्यू 10 एम्पेयर गिवन है, आपने पीक वैल्यू बतानी है क्या होगी। देखें, आपको आरएमएस वैल्यू जो है वो 10 एम्पेयर गिवन है। आई नॉट बराबर होता है स्क्वायर रूट इनटू आई आरएमएस। तो आप वैल्यूज लगाएं आई आरएमएस की 10 और स्क्वायर रूट 2 लें, 1.41 आएगा, मल्टीप्लाई कर दें, 14.14 एम्पेयर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखें, 16.2। नेम द डिवाइस डैट विल परमिट द फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट बट अपोज द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। दूसरा पार्ट है, परमिट द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बट नॉट द डायरेक्ट करंट। खैर, ऐसी डिवाइस का नाम बताएं जो कि अल्टरनेटिंग करंट को तो जो है ना वो अपोज करे लेकिन डायरेक्ट करंट को पास करने दे। और दूसरा एक और पूछा है कि ऐसी डिवाइस का नाम बताएं जो कि अल्टरनेटिंग करंट को पास करने दे लेकिन डायरेक्ट करंट को अपोज करे। देखें, पहला जो ऑप्शन है इसमें, उसमें क्या है जी, एक ऐसी डिवाइस जो कि अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करती है और डायरेक्ट करंट को गुजरने देती है, तो वो है जी इंडक्टर। इंडक्टर में से जब डायरेक्ट करंट गुजरता है तो क्योंकि वो यूनि डायरेक्शनल होता है, यूनिफॉर्म होता है, उसकी वजह से जो इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो चेंज नहीं होती। तो और ना ही उसमें कोई ना उसका कोई फ्लक्स चेंज होता है और ना इंड्यूस ईएमएफ आती है, ना वो अपोजिशन क्रिएट होती है। लेकिन जब आती है बात अल्टरनेटिंग करंट की, उसको उसकी नेचर ही कॉन्टीन्यूसली वेरिंग वाली है, पोलैरिटी भी चेंज करता है, तो जिस वजह से चेंजिंग करंट जब वो पास करेगा इंडक्टर में से तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो चेंज होगा, उसका अपना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ आएगी वो अपोज करेगी। नेक्स्ट, दूसरी डिवाइस जो कि डायरेक्ट करंट को जो है वो ब्लॉक करती है और अल्टरनेटिंग करंट को पास करने देती है, वो कैपेसिटर है। कैपेसिटर में देखें, दो प्लेट्स के दरमियान एक मीडियम होता है जिसे आप डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर मीडियम कहते हैं, और वो डाइलेक्ट्रिक की वजह से सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो इस वजह से डायरेक्ट करंट पास नहीं कर सकता। अल्टरनेटिंग करंट पास इसलिए कर जाता है कैपेसिटर में से क्योंकि वो कंटिन्यूसली चेंजिंग करता है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है और साथ पोलैरिटी, तो वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है कैपेसिटर की होती है कंटिन्यूसली, जिस वजह से उसमें से एसी करंट पास कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 16.3। हाउ मेनी टाइम्स पर सेकेंड विल एन इनकैंडिसेंट लैम्प रीच मैक्सिमम ब्रिलियंस वैन कनेक्टेड टू ए 50 हर्ट्ज सोर्स। कह रहे, एक लैंप है उसको आपने एक एसी सोर्स के साथ जोड़ा जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो बताएं कितनी दफ़ा मैक्सिमम अपनी जो ब्रिलियंस है वो शो करेगा। देखें, एक साइकिल जो आता है एसी साइकिल करंट का, उसमें दो पीक वैल्यू होती हैं, पॉजिटिव पीक वैल्यू, नेगेटिव पीक वैल्यू। पॉजिटिव पीक वैल्यू पे भी बल्ब जो है वो मैक्सिमम ब्रिलियंस शो करेगा, नेगेटिव पीक वैल्यू पे भी वो मैक्सिमम ब्रिलियंस शो करेगा, यानी वन साइकिल में वो टू टाइम्स करेगा। तो और 50 हर्ट्ज का मतलब है कि 50 साइकिल उस पर्टिकुलर लैंप के अंदर से पास करेंगे, तो इस तरह वो 100 टाइम्स अपनी मैक्सिमम ब्रिलियंस शो करेगा। एन इनकैंडिसेंट लैंप विल रीच टू इट्स मैक्सिमम ब्रिलियंस व्हेन करंट रीचेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इन एसी सोर्स करंट रीचेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू ट्वाइस इन अ साइकिल, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। हेंस ए लैंप कनेक्टेड टू ए 50 हर्ट्ज सोर्स विल रीच टू इट्स मैक्सिमम ब्रिलियंस 100 टाइम्स इन 1 सेकेंड। नेक्स्ट देखें, ए सर्किट कंटेन एन आयरन कोर इंडक्टर, ए स्विच एंड ए डीसी सोर्स अरेंज इन सीरीज, द स्विच इज क्लोज एंड आफ्टर एन इंटरवल रीओपन, एक्सप्लेन वाई ए स्पार्क जम्प्स अक्रॉस द स्विच कॉन्टैक्ट्स। देखें जी, कहता है कि आयरन कोर इंडक्टर है, उसको आपने डीसी सोर्स के साथ अरेंज किया सीरीज के अंदर, स्विच क्लोज करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद अगर रीओपन करते हैं तो जो कॉन्टैक्ट्स ऑफ स्विच हैं उसके अक्रॉस स्पार्क आता है, उसकी रीज़न ही है। लेकिन जब आप स्विच ऑन करेंगे, करंट बढ़ना शुरू होगा, डेफिनेटली वो जो इंडक्टर है उसका जो फ्लक्स है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है करंट फ्लो करने की वजह से उसमें, तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगी। इंड्यूस ईएमएफ जो है उसकी वजह से इंड्यूस करंट तो वो एनर्जी स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब आप स्विच ओपन करेंगे डेफिनेटली फिर करंट डिक्रीज करेगा, तो फिर दोबारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और इंड्यूस ईएमएफ आएगी। इंड्यूस ईएमएफ आएगी तो आपको पता है इसमें करंट जो है वो लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है, तो डेफिनेटली वो जो एनर्जी स्टोर की थी उसने इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो रिलीज करेगा और वही स्पार्क जो है वो आपको स्विच के कॉन्टैक्ट्स के ऊपर फील होगा। नेक्स्ट देखिए, 16.5। हाउ डज डबलिंग द फ्रीक्वेंसी इफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर ए कैपेसिटर। कह रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी डबल कर दी जाए एसी सोर्स की, और फिर इंडक्टर और कैपेसिटर की रिएक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखें, अगर आप बात करें पहले इंडक्टर की, तो उसकी रिएक्टेंस जो होती है वो देखें लिखी हुई है x = 2πfL। अब f डबल कर देंगे तो xL डबल हो जाएगी डेफिनेटली,
तो रिएक्टेंस बढ़ जाएगी उसकी, डबल हो जाएगी। और अगर रिएक्टेंस बात करें कैपेसिटर की, तो एक्सी 1/2 πfc होती है, फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली है। फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे तो रिएक्टेंस जो है वो 1/2 हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, इन आर एल सीरीज सर्किट विल द करंट लैग और लीड द वोल्टेज, इलस्ट्रेटेड योर आंसर बाय वेक्टर डायग्राम। कह रहे आर एल सीरीज सर्किट में करंट लैग करता है, लीड करता है, बताएं, डायग्राम भी बनाएं। देखें, आपको पता है करंट जो है वो दोनों सीरीज सर्किट में सेम रहेगा, करंट तो ये आ गया। फिर उसके बाद वी आर जो होगा करंट के साथ इन फेज है, जो कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर होता है। और बाकी रही बात वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो वो लीड करता है करंट को बाय 90 डिग्री, लेकिन जब आप इन दोनों वोल्टेज का नेट लेंगे तो वो ये वी आ जाएगा। तो वो वी जो है ओवरऑल करंट से एंगल थीटा के ऊपर वो लीड करता है। तो ये थीटा जो है फाइंड भी कर सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स एल ओवर आर, एक्स एल की वैल्यू ओमेगा एल, थीटा आपने फाइंड करना, टेन इनवर्स कर दें इधर ला के, ओमेगा एल ओवर आर हो जाएगा। ये वेक्टर डायग्राम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 16.7। ए चोक कॉयल प्लेस्ड इन ए सीरीज विद एन इलेक्ट्रिक लैम्प इन एन एसी सर्किट कॉजेज द लैम्प टू बिकम डिम, और वाई इज इट सो? ए वेरिएबल कैपेसिटर एडिड इन सीरीज इन दिस सर्किट मे बी एडजस्टेड अंटिल द लैम्प ग्लोज विद नॉर्मल ब्रिलियंस, एक्सप्लेन हाउ दिस इज पॉसिबल। दो पार्ट हैं क्वेश्चन में। पहले पार्ट में वो कहता है कि एक चोक है यानी इंडक्टर, उसको आपने सीरीज में लगाया एक इलेक्ट्रिक लैम्प के साथ, लैम्प एज ए लोड काम कर रहा है। तो एसी सर्किट में स्विच ऑन किया तो लैंप जो है ना बिल्कुल डिम है, उसकी रीज़न बताएं। देखें, जो आपने इंडक्टर लगा दिया चौक यानी कि वो अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करती है, वो पहले भी हमने अभी डिस्कस किया पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर, कि क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट की नेचर कंटिन्यूसली चेंज होना है, जिस वजह से उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, इंड्यूसिंग में आती है वो अपोज करती है। तो इसलिए जो उसकी रेजिस्टेंस होगी थोड़ी बहुत, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा और करंट जो उसमें से फ्लो कर जाएगा, वही करंट जो है ना लैंप में से गुजरेगा, जिसकी वजह से वो उसकी ब्राइटनेस जो है वो कम होगी, डिम होगा। लेकिन वो कहता है फिर अगले स्टेप में वो कहता है अगर ये वेरिएबल कैपेसिटर ऐड कर दें उसी सीरीज सर्किट के अंदर, तो फिर सीरीज सर्किट के अंदर वो जो कैपेसिटर ऐड किया उसकी वैल्यू को आप एडजस्ट कर दें और बल्ब जो है वो नॉर्मल ब्रिलियंस पे आ जाएगा। इसकी क्या रीज़न है फिर, ये कैसे पॉसिबल है? देखें, आपने अगर कैपेसिटर भी लगा दिया फिर तो वो आर एल सी सीरीज सर्किट हो गया, तो क्योंकि इंडक्टर तो पहले लगा हुआ है और रजिस्टर भी एक तरह से लैंप या वो लगा हुआ है और कैपेसिटर आपने ऐड कर दिया सीरीज़ में। तो फिर आपने जब ये आर एल सी सीरीज सर्किट पढ़ा था उसमें आपने ये बताया था कि जो इंडक्टर और कैपेसिटर है उनकी जो रिएक्टेंस होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब आप कैपेसिटर जो है वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात आप कैपेसिटेंस को जो है ना वो चेंज करेंगे जब तक कि दोनों की जो रिएक्टेंस है वो बिल्कुल सेम नहीं हो जाती, अपोजिट तो ऑलरेडी होगी। तो फिर जब ये आप एडजस्ट कर देंगे डेफिनेटली जो इम्पीडेंस है सर्किट की वो मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि वो एक दूसरे की रिएक्टेंस को कैंसिल आउट कर देंगे, वो सिर्फ रेजिस्टिव रह जाएगी, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा और जो लाइट बल्ब है वो अपनी मैक्सिमम ब्रिलियंस पे चला जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द कंडीशंस अंडर विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम ए सोर्स। वो कंडीशन बताएं जिस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं एसी सोर्स से। देखें, एंटीना ट्रांसमिटिंग एंटीना को एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करें, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है ना वाइब्रेट करेंगे एंटीना के अंदर, मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, डेफिनेटली एंटीना जो है वो ट्रांसमिट करने लगेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। कंडीशन यही है कि आपने जो है ना चार्ज पार्टिकल को वाइब्रेट करवाना है। तो देखें, व्हेन एंटीना इज कनेक्टेड टू द एसी सोर्स इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू वाइब्रेट इन द एंटीना विच चेंजेस मैग्नेटिक फ्लक्स विच इन टर्न चेंजेस इलेक्ट्रिक फील्ड, हैंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। आपने पढ़ा था कि वो जो मैक्सवेल थे उन्होंने इक्वेशंस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चार इक्वेशंस एक्सप्लेन किया था कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, एंड अप टू सॉन, और ये अपने सोर्स से परपेंडिकुलरली मूव करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ द रिसेप्शन ऑफ ए पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन इज सेलेक्टेड ऑन योर रेडियो सेट। आप एक पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन को अपने रेडियो सेट के ऊपर कैसे सेलेक्ट करते हैं? देखें, आपके रेडियो सेट के ऊपर तो हर स्टेशन से आने वाली वेव्स फॉल करती हैं एंटीना के ऊपर, तो फिर एक पर्टिकुलर चैनल आप चलाते हैं, यानी जैसे 88 चला रहे हैं, 101 चला रहे हैं, 103 चला रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर एट अ टाइम चलता है। अब होगा क्या, जो भी वेव्स आके फॉल करेंगी किसी भी स्टेशन से, तो आपके रेडियो सेट के अंदर एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर लगा होता है। कैपेसिटर जो है वेरिएबल कैपेसिटर होता है, वो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के तौर पे काम करते हैं। तो आप यहाँ पर कैपेसिटर की वैल्यू को एडजस्ट करते हैं तो आप एक एलसी सर्किट की क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, जिस जो फ्रीक्वेंसी आप सेट करेंगे इस एलसी ऑसिलेटर की, वो फ्रीक्वेंसी किसी ना किसी पर्टिकुलर स्टेशन की ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, तो डेफिनेटली एंटीना वो वेव्स जो है ना वो कैप्चर करने लगेगा। तो आप वो जो जो सर्किट है वो ट्यून हो जाएगा और एज ए रिजल्ट ट्रांसमिशन रिसीव होने लग जाएगी।
तो देखें, इन पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन कैन बी ट्यून्ड ऑन आवर रेडियो सेट व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलसी सर्किट ऑफ आवर रेडियो बिकम्स इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो वेव्स एमिटेड फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना ऑफ द पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन अकॉर्डिंग टू द फार्मूला एफ इक्वल टू 1/2 पाई एंड स्क्वायर रूट एलसी रेजोनेंस अकर। तो जब आपके एलसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी रेडियो की या टेलीविजन की वो किसी एक पर्टिकुलर टीवी चैनल की ट्रांसमिशन की वेव्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है और रेजोनेंस जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, एज ए रिजल्ट वो ट्रांसमिशन रिसीव होने लग जाती है। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज मीन बाय एएम एंड एफएम। एएम और एफएम से क्या मतलब है? ये मॉड्यूलेशन है। मॉड्यूलेशन आपने पढ़ा था कि एक हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो होता है, यानी कि हमारा जो ऑडियो सिग्नल होता है उसको सुपर इम्पोज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स के साथ, तो फिर मॉड्यूलेटेड वेव बनती है जिसको हम ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसमिटिंग एंटीना के जरिए। ये मॉड्यूलेशन था। मॉड्यूलेशन दो तरीके से की जाती है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। देखिए, मॉड्यूलेशन इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव्स इंक्रीज और डिक्रीज एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सुपरपोजिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इंक्रीज और डिक्रीज। यानी जो भी आप कैरियर वेव्स यूज़ करेंगे उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द सुपरपोजिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। नेक्स्ट चलिए, दूसरा है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसे आप एफएम बोलते हैं। मॉड्यूलेशन इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव्स इंक्रीज और डिक्रीजेस एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सुपरपोजिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। इसमें क्या होता है, जो कैरियर वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है विद द सुपरपोजिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ और एम्पलीट्यूड सेम रहता है, और इसकी रेंज 88 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 108 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है। तो जो आप रेडियो ट्रांसमिशन सुनते हैं ये उसकी बात कर रहे हैं। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।